लगा और जोर से। पूरी ताकत लगा तेज से। जकड़ो उसके दो हाथों को तेज से जकड़ लो। दिमाग नहीं चल रहा तेरा, वैसा करके देता उसको। झगड़ो उसको और तेज से। और बड़ी कर उसको। झगड़ो उसको और तेज से। मारो उसको और मारो, आग लगा दो उसके अंदर से, तेज से आग लगाओ उसके अंदर। खींचो उसकी सारी दवा बाहर खींचो। गड़ रहे कैमरा, खींचो उसकी दवा पूरी बाहर। जब तक मेरे सामने उसको पन्नी में लगेंगे तब तक दवा नहीं निकलती, नीचे गिरेंगी बोल के मैं निकलने नहीं देता। पन्नी लगाते थे कभी निकल भी होता था, इस वास्ते पन्निया लगाने करता सही तरीके से अमल करते हैं। गड़बड़ा करे कुछ कर, अगली राउंड का से ढकल देता मुझे नहीं। झगड़ा उसकी खींचो पूरी दवा बाहर, खिला के करके जादू टोना कर डाला था। जो भी छोड़ी वाला है शहर क्या है वो निकाल रखी, इसके तो सबके अलग अलग खेल रखे, सबके अलग अलग दास्तान थे, हिसाब से मारा करके सब जला गया। मार दे रहा हूँ उसको, मारो उसको नाला आपको। हेलो उसकी मार मार के पूरी दवा बाहर। उसके दिमाग पे भी चढ़ के बैठी थी उसके, वो दिमाग में नाक में से भी निकल रहा उसके, उसमें से भी। इसका मतलब उसके सर में दर्द होता था, ज्यादा चिरखा नीचे आले करता था पेशेंट। इसका मतलब क्या होता था, लड़ाई झगड़े करती थी, क्या करती थी, जोर से बोल, बहुत लड़ाई करती थी और गुस्से में रहती थी हमेशा। वो नाक में से भी मुंह में से भी करना, इसका मतलब दवा दिमाग में भी चढ़ के बैठी थी और दवा पूरे नस नस होती थी। और जो भी अल्लाह के मारो उसको और तेजी से निकाल दे रहा कमबख्त पूरा भर निकाल जल्दी। ओए तुम्हारा मोबाइल बंद करो नहीं तो पानी डालो, काम पे ध्यान दो, छुट्टी ना करते बैठने आ रहा क्या, खाली आ गया इधर। मुझे बहुत गुस्सा आता, मेरा बहुत दिमाग खराब होता है यहाँ। एक तो मैं इतना मेहनत करके निकालता हूँ, बीच में दूसरे लोग बैठ के कमाला करते थे पानी डालने का, दूसरे काम करने का, जो तुम्हारा ड्यूटी दिया। तो पेट में सारी खींच के बाहर निकालो तेज के साथ में, आग लगाओ उसके पेट में, तेज से खींचते रहो दवा बाहर। निकल बाहर निकल जल्दी। किसो और तेज किसो, सारी दवा बाहर खींच लो, उसके जरिए अंदर दिखना है मुझे। सीतर लगा उसके नाक में, शीशी कर ला पहले, मारो उसके अंदर से आग लगा के सब निकालो बाहर तेजी से। चलाओ
पेट में से आग लगा के सारी दवा बाहर निकालो उसकी तेज के साथ में। जाओ उसको और तेज से मार मार के सारी दवा बाहर, जरी अंदर दिखना नहीं मुझे। कैमरा घुमा रहे, कौन पानी डाल रहे, क्या है, किसका बॉटल, सब दिखना। पुतले के जैसा मत खड़े रहूं। वो तुम्हारे विषय दिन आ गया, बंद करूंगा विषय। खींचा उसकी दवा सारी बाहर तेज से। निकल बाहर जल्दी तेज से। आग लगाओ उसके अंदर और सारी दवा को आग लगा के तेज के साथ में खिंचाओ। खींचो उसके दिमाग में की भी, पेट में की भी, कहां कहां दवा बटेरी सब बाहर खींच दो। अलग बदलो कर हमसे तेज एक साथ में। तो बाहर नहीं निकला क्योंकि अंदर मारते रहो, उसका ठेसा बना के बाहर लाओ। चलो हाँ तेजी से मारो, मारो पेट में से आंख लाओ कमीने के। आओ निकालो निकालो उसके दिमाग में से तेजी से खींच के निकालो बाहर। खिंचाओ उसके दिमाग में से और तेजी से। खिंचाओ उसके दिमाग में से सारा बोध अंदर बैठ के किरकिरियां झगड़े लगा रहा था, क्या क्या कर रहा था, परेशान है। खिंचाओ उसको और तेजी से। खिंचाओ उसके दिमाग में से और तेजी से खींचो पूरा सब बाहर। खिंचो और तेजी से खींचो उसके दिमाग में से। ये दिमाग में चढ़ के बैठा था उसके ऊपर और क्या बोलते, नजले की शक्ल में बैठ के क्या बलाएं बिलाएं बिठाए थे, वो सब परेशान कर रहे थे। कैसा निकल रहा, दवा भी निकल रही है और दिमाग में से भी निकल रहा। खींचो और तेजी से। हाथ पकड़ो जी उधर से, चकड़ो उसको, मारो कमीने घुसता बाहर की जो पूरा। उसके अंदर से पूरी आग लगा दो तेज साथ में, उसको पूरा बाहर खींचो। उसके दिमाग में भी दवा बढ़ जाएगी, उसके पेट में भी, नस नस में भी नहीं। दिमाग में जो बैठा हुआ है उससे डिप्रेशन में जाता है इंसान, झगड़े होते, किरकिरिया करता, छिड़छिड़ापन करता, गालियां देता, उसको जीना नहीं मालूम होता, सुसाइड कर देना मालूम होता, वसवसे आते, वो सब दिमाग में जो चढ़ के बैठती है। तंत्र मंत्र क्रिया, जो भी जादू टोना है सब प्रैक्टिकल में देखो, यहाँ सबको बता रहा मैं, लगभग कम से ऐसा तरी ऐसे निकल रही हूँ, कैसे बाहर निकल रही हूँ, बहुत कदर निकल रहा था, गिर रहा था। तो ये सब चीज़ें करते हैं इंसान को परेशानी, तो बहुत ख़राब चीज़ें जादू टोना, अब क्या बोलना, बहुत सारी बातें रहते हैं। इस बात का कुरान और हदीस और अल्लाह उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थाम के रहेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती। खींचाओ उसको और तेजी से बाहर, आग लगाओ उसके पेट में से।
निकाल निकाल ना लाया को निकाल जलते खींचो उसके पेट में से तेजी से आग लगा के बाहर खींचो खींचो उसको और तेजी से चल बाहर नहीं है ना उसके नाक में अरे हाथ भी लगाओ उसके हाथ उतते भी मत छोड़ो और उतते भी पीछे मत खींचो अरे ऊपर मत उठान दो उसका हाथ आने पर उठा के साफ कर दे रहा कमीना भाग जाने को नहीं निकलने की सोच रहा बाहर निकालो उसको खींच के और तेजी से चल बाहर चल बाहर गिलास पानी दूसरा गिलास ले रहा हूँ निकाल निकाल चलाओ उसके पेट में से आग लगाते रहो तेज से चल बाहर निकल निकल जल्दी बाहर पूरा उतर उतर नीचे चल जल्दी कुदी मार पूरे जलाओ उसको खींचो पूरा जल के बाहर खींचो उसको जलाओ खींचो उसके पेट में की बची कुची दवा भी मिलती है तेज साथ में पानी छोड़ो क्या था निकला सकते हो भी खिला वाला क्या है अब तुम्हारे सामने का पानी पिलाते उल्टिया नहीं करता जब तक पन्नी सामने लाते नहीं जब तक वो निकलता नहीं क्योंकि नीचे गिरिंगा भी बल्कि वहीं निकल नहीं देता वो खुद बहुत निकलता भी नहीं कुदरत तो पन्नी लगा तो निकलता कैसे निकला पन्नी भर के और दूसरी बात उसके दिमाग में भी दवा की चढ़ जाएगी उसके नसना सुन उल्टियाँ देख रही दिमाग जब दिमाग पर चढ़ जाती तो वहीं तो पहले ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं चढ़ता कि दिमाग पर दवा चढ़ी मगर खुलते खुलते राज जब खुलते हो पता चलता अल्लाह के बहुत सारी बातें जब इंसान को इल्म होता हो सब चीज़ों का और दिमाग में से कैसे निकल रहा होता था यहाँ प्रैक्टिकल में अल्लाह के फसलों का कोई दवा चढ़ती और ये जो है तो ये तंत्र मंत्र का खेल था कहीं अल्लाह के वाला कुछ जादू करना चाहिए खेला और दूसरी बात क्या बोलते तो इस बात की रस्सी मजबूती से थामना हर चीज़ से दुआया करना इंसान को खाना खाने के बाद सोने की उठने की तो महफूज रहेंगे दुआ मोमिन का हथियार है क्यों बोले अला फिर इस वास्ते तो बोले अला ने कि ये सब चीज़ों से तुम महफूज रहेंगे ये चीज़ें दिखते नहीं तो दुआ पढ़ रहे भी तुम तो तुम्हारे दुआ दिख रही है कैसे तुम्हारी हिफाजत करी मगर बरोबर तुम्हारी हिफाजत करती पत्थर की लकीर है इसलिए सब बातों पर अमल करना और भी बहुत सारी बातें मगर सबसे अहम तो मैं यही बोलूँगा कि नमाज की पाबंदी करना पांच टाइम की क्योंकि नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह रहीम का दाना तुम अपने हथेली में रख के कैसा देखते हो वैसा तुम आपको अल्लाह इबादत करने वाले को अल्लाह डायरेक्ट देखता है अल्लाह की नजर करम तुम्हारा करेगी जब अल्लाह की नजर करम तुम्हारे पर तो कौन तुम्हारा बाल से बाका कर सकेगा कौन तुम्हारा बिगाड़ सकेगा कोई भी नहीं ना
इस वास्ते अपने आप को अल्लाह के अमान में देना और दुआएं जिसे कुरान इन सब का मामूल बनाना घर के अंदर पढ़ने का, इबादत करने का, और किसी गैरुल्लाह के पास, काफिर के पास, जादूगरों के पास, उसके पास नहीं जाना, गलत है, शिर्क, सख्त मना करे अल्लाह। हाँ, दरगाहों पे जाओ वहाँ पे रहमत बरस के अल्लाह की, वहाँ जाने से वहाँ कोई मना नहीं करे। अब वो बहुत बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं, बुजुर्ग आने दिन उन सब की, अल्लाह वालों के पास जाओ, कुरान पढ़ने वालों के पास जाओ, इबादत करने वालों के पास जाओ, खुद इबादत करो, सिर्फ तुम महफूज रहेंगे ये सब चीज़ों से, नहीं तो किसी का कुछ नहीं जाएगा। जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख। इस वास्ते बेहतर है कि जो भी मैं बातें बताऊँ उस पर अमल करो, इबादत की रस्सी को मजबूत थामेंगे तो हर चीज़ से मजबूत रहेंगे, दुनिया आगे तक दोनों बन जाएगी। और जादूगरों के पास, काफिरों के पास में, उनके पास में जाएंगे तो उससे तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाती है, आखिर दुनिया। अल्लाह वालों के पास जा सकते हो तो वहाँ जाने से तुम्हारा कोई मना नहीं करता, जाने से तुम्हारा ईमान ताज़ा होता है, और भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे पर रूहानी नज़र मार के तुम्हारे अंदर सारे कैफियत को हटाते और दुरुस्त कराते, सारी तुम्हारी रूहानियत को चार्जिंग कराते। रूहानियत की गज़ा है जिक्र, अज़कार, इबादत, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करते जाना, जब रूहानी मजबूत रहेगी तो ऐसी चीज़ों का कुछ तुम्हें असर होता है, और भी बहुत सारी बातें हैं। खैर, क्या होगा, मैं जितना बताया उससे ज़्यादा अल्लाह तुम फैमिली तुम्हें ज़्यादा मत करने की अपील है। कहाँ से आए? नासिक में। कौन रहते? हम नासिक में रहते हैं, मेरे जवाई बेटी भी नासिक में रहती है, और जिससे आपने फोन पर बात करी वो मेरी दो नंबर वाली बेटी है, उसने उससे भेजी। इससे पहले हाजिर हुआ था, उनके क्या बोलता था? हाजिर हुआ था, बोले लड़की का आवाज़ में दूसरा राग में खून उतर गया जैसा वैसा, मतलब पुत्र का लड़ आवाज़ दी, एक तो मैं मरूँ या तुझे मारूँ। और अम्मा इसके दिन लाल साड़ी पहनी थी रात में, बाल खुले खुले करके जो जो थी चिल्लाती जरूर। वो ये सब कैफियत चल रही थी ना, देखने का कितने लोग हैं ऊपर, कितने लोग हैं, ये किसने किया है वाला, नहीं तुमको आगे पता चलेगा, ये तीसरे राउंड तक ये कहीं का लगे वाला रहता था तो एक मिनट में निकाल देता था, मैं रफा दफा हो जाता था। ये देखा ना क्या है, ये नस नस में बिन के बड़े दवा भी इसको इसके हिसाब से निकाल के सब जला के खत्म करना पड़ता, सबके अलग अलग तरीके रहते हैं, उस हिसाब से जैसा जैसा अमल उस हिसाब अलग क्रम से रहते हैं। फिर नाम वाम जो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कौन कर रहे थे, वो ज़रूरत पड़ी तो आगे पूछा देंगे इंशाल्लाह वो, मगर लड़ना झगड़ना नहीं इसका भी नाम। चलो ठीक है, क्या होता था घर पे, क्या करते थे, दिमाग से किरकिरा कुछ होते थे, झगड़े, टेंशन, डिप्रेशन, लड़ाई करती थी, खुद को नुकसान पहुंचाती थी, मुझे दो तीन टाइम नुकसान पहुंचाई, और एक टाइम रात में फांसी लगा ली थी, फांसी लगा ली, सुसाइड कर ली थी, सुसाइड करने को, वो जो दिमाग में जो दवा चढ़ जाती है वो इंसान को डिप्रेशन में डालती हो, डिप्रेशन में डालती सुसाइड करने की तरफ ली जाती हो। तो देखो उसको उन्हें भी बोल रहा हो, तो बच्चा की सुसाइड कर रही थी बच्ची, अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, तो कौन करता वो ओलाएं करते हो जो दिमाग पे चढ़ गए। बहुत सारे राज है, बहुत सारी बातें, खैर इल्म समंदर है, जितना बताऊंगा उतना कमी से तुम्हारे लोगों का, मगर मेन मुद्दे की सबकी अहम बात कंक्लूजन इबादत करना, सारे थ्योरी का कंक्लूजन ये चीज़ है कि इबादत तुम ज़्यादा से ज़्यादा करना, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना तो महफूज रहेंगे। ठीक है, चलो।